आंटी का घर है। ये किचन एक बार आप देख लो पहले, एकदम पुराने टाइप से बन रखी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई रियली बिलीव अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो मेरा चैनल द अल्फा सिंह। जी हाँ, आज मेरा लद्दाख में दूसरा दिन है एंड आज हमारा प्लान है दो चार आसपास की जगहें कवर करना। एंड अभी मैं अपने हॉस्टल के नीचे खड़ा हूँ, हिचहाइकर्स हॉस्टल, फ्रेंड्स नीचे आ रहे हैं, तब तक मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि आज हम क्या क्या करने वाले। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दो यार, अच्छा लगेगा। एंड अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ भी नहीं देखी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है लद्दाख के नाम से, तो उसको एक बार देख लो, आपको मज़ा आएगा ये वाली वीडियो देखने में भी और इसके आगे वाली वीडियोस देखने में भी। तो आज हम जा रहे हैं स्टोक विलेज, यहाँ से 20-25 किलोमीटर्स हैं और कहते हैं लद्दाख की जो रॉयल फैमिली थी उधर ही रहती थी, तो काफ़ी सुंदर सी जगह है वो। हमें किसी ने रिकमेंड करा, वो जो पीछे भाई खड़े हैं हॉस्टल में रह रहे थे, इन्होंने हमें रिकमेंड करा था कि वहाँ ज़रूर जाना। उसके बाद हम जाएंगे गुरुद्वारा पत्थर साहब एंड अगर टाइम बचा तो वॉर मेमोरियल। क्यों? क्योंकि आज है 15 अगस्त, तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा होगा वहाँ पे, तो टाइम बच गया तो वहाँ भी हो जाएंगे। तो व्लॉग पूरा देखते चलना, बहुत मज़ा आएगा, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, फैक्ट्स बताऊंगा एंड मज़े तो मारते रहेंगे, तो बोर आप कहीं हो गए नहीं, तो बने रहिएगा। जल्दी मिलते हैं स्टोक विलेज में पहुँच के। जिस हेरिटेज होम में हमें जाना है उसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। विलेज में हम घुस चुके हैं, स्टोक विलेज। अभी ये कच्चा रास्ता हम पकड़ेंगे। हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं हेरिटेज होम में, स्टोक गांव में जो पड़ता है। इन आंटी का घर है। आंटी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम छवांग। छवांग? हाँ जी, छवांग नाम है। आंटी ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है और ये किचन एक बार आप देख लो पहले, एकदम पुराने स्टाइल से बन रखी है, पुराने स्टाइल के इस पर बर्तन है। ये आजकल के मॉडर्न का बर्तन है, पुराने जमाने का बर्तन, पीछे 200 साल पहले जमाने का घर है। अच्छा, उसी में पुराना घर है, वो भी देखेंगे हम, वो भी देखेंगे। ये जो है ना पीतल का चूल्हा है, नया मॉडर्न का है। अच्छा। अभी ओल्ड हाउस में मिट्टी का चूल्हा है। ओके। अभी मैंने यहाँ पीछे रखा हुआ है, नहीं तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से गोबर डाल के आग जलाता है। तीन जगह पे बर्तन रखने की जगह है, तो यहाँ से धुआं जाता है, धुआं जाने की चिमनी है, यहाँ से गोबर डाल के आग जलाता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो आग जल जाता है। ये केटल में जो है ना, पहले ज़माने में थर्मोस नहीं होता था, तो इसलिए केटल में बना था, अभी भी यूज़ करते हैं हम केटल। ये केटल और ये, इसमें कोयला रखता था तो गर्म रहता है। कोयला रखते थे इसमें पुराने ज़माने में। इसका नाम है मेजलंग बोलता है। मेजलंग? हाँ जी। इसका नाम है ठागू। इसका नाम है ठागू। इसका नाम है गुलगुल। गुलगुल, ये क्या चीज़ है? ये मिक्सर जैसा है, मिक्सी, पीसने के लिए। ये लोकल काओ बटर है, हमने वो अमूल बटर यूज नहीं करता है, काओ बटर यूज करता है। तो आंटी, ये लोकल काओ बटर, अमूल बटर नहीं यूज करते, ये लोकल काओ बटर इनमें डाला है। ये क्या डाल रहे हैं? ये बॉल बटर, सॉल्ट, टी लीव्स, मिल्क थोड़ा सा डाला हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा सा सॉल्ट, टी लीव्स। टी लीव्स? टी लीव्स उबाल के रखते है। अच्छा। वो छोटा सा इतना के टी भर के पानी में आधा कप डालता है। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल चाय है, इसमें टी लीव्स हैं उबाल के रखी हुई हैं, जो थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा मिल्क है, थोड़ा सा बटर है, लोकल बटर, जो फ्रेश बटर काऊ का निकला हुआ। तो ये आंटी हमें अभी चाय पिलाएंगे, बटर टी। मर यही चाय पीता है, मीठा कम पीता है। अच्छा, तो एक बार चाय बन जाए, चाय मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बटर टी है, आप लोग टेस्ट कीजिए। तो ये चाय पीने से एक तो ठंड में गर्मी रहती है और खून भी बढ़ता है। दिन में कितनी बार पीते हैं? दिन में तो हम लोग 10-15-20 कप पीते हैं। अच्छा, अलग ही टेस्ट है, लेकिन ज्यादातर बटर जैसा है। तो एक बार चीयर्स कर ले, इधर आओ। चीयर्स, गुड हेल्थ, बैड फ्यूचर। ये गम दोगे तुम? है ये गम देंगे। टेस्टी है, काफी टेस्टी है।
इंजॉय करते हैं। इसके बाद हमें ट्रेडिशनल फूड खाने को भी मिलेगा, वो खाएंगे। उसके बाद आंटी हमें पूरा टूर देंगी इनका, साथ ही पुराने वाला 200 साल पुराना घर है जिसमें हर चीज़ 200 साल पुरानी है, तो वो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होगा। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, आंटी काफ़ी अच्छे से हर चीज़ बता रही है। मैंने उनको पहले ही बता दिया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा, तो इस हिसाब से आंटी तैयार भी हो गया स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के। कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ चखना भी रखा हुआ है यहाँ पे, रोस्टेड वीट है। इस गांव में एक स्पेशल टाइप की बियर बनाई जाती है जिसको कहते हैं छांग, लोकल देसी बियर है वो भी। आंटी अभी हमें थोड़ी सी टेस्ट करेंगी, ये रोस्टेड वीट बहुत टेस्टी है। चखने का नाम लेते ही आंटी ने हमारे सामने छांग का नाम ले लिया। अभी टेस्ट करेंगे, पीते तो है नहीं क्योंकि इसके अलावा दिल बाग बाग हो गया, सिंपी खुश हो गया। तो ये छांग है लोकल बियर, हम टेस्ट कर लेते हैं इसको। थोड़ी खट्टी सी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है नींबू डाला हुआ है। मैंने तो पी ली, आप पी के बताओ। एप्पल साइडर जो होता है विनेगर, साहिल बता रहा है कि उसका भी ऐसा ही टेस्ट होता है, तो मैंने तो वो भी कभी नहीं पिया। मतलब टू बना रहे हैं लोकल पार्टी यहाँ पे ऐसी होती है। अब आगे देखते हैं क्या सर्व होता है, फिर दिखाता हूँ। आंटी ने खाना पूरा बिछा दिया यहाँ पे, अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या चीज है। ये स्टीम मोमोज, ये स्टीम मोमोज, ये तो आपको पता ही है। फ्राइड मोमोज, ये फ्राइड मोमोज, ये चुटही, क्या चीज चुटही बोलते हैं, चुटही क्या चीज है ये? आटे का तरी वाली सब्जी। ये जो है ना, ये ड्राई वाला लोकल मटर, ड्राई चीज सूप, ये सूप टाइप हो गया, बार्ले का सूप है। नमतुक बोलते हैं इसका नाम, नमतुक। हाँ जी, ये खम्बीर है, खम्बीर लोकल ब्रेड, लोकल ब्रेड खम्बीर। ये योगर्ट है, अपना लोकल गाय के दूध को बना हुआ है योगर्ट। जब मार्केट से मिलेगा ना आप लोग को, मार्केट में पाउडर मिक्स करके मिलता है ये, एकदम फ्रेश दही एकदम योगर्ट। एंड ये सलाद है, ये सैलेड है, चटनी है, चटनी। अच्छा चटनी है, मैं इसको पहले सब्जी समझ रहा था लेकिन ये चटनी है। चटनी मोमोज के साथ ये वाली चटनी खाती है। मोमोज तो काफी टेस्टी लग रहे हैं, सबसे ज्यादा हम इसी पे हाथ साफ करेंगे। सबसे पहले टेस्ट कर रहा हूँ मैं टीम मोमोज, ये चटनी के साथ। इतने फ्रेश है क्योंकि आंटी ने हमें बताया कि जो भी अंदर सब्जियां हैं इसके, ये हम खुद ही पीछे उगाते हैं, इनका फार्म है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इतना ऑर्गेनिक, इतना बढ़िया फ्लेवर आया ना, ये ग्रीन ग्रीन क्या है, मेथी, मेथी डाल रखे, मेथी वाले मोमोज कभी खाएं। और बाय गॉड, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रहा मैं, इतने ज़्यादा टेस्टी है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट, अलग ही फ्लेवर। और ये चटनी लाजवाब, सूप ट्राई करते हैं वो यार। एक मिनट यार, लो लाल के जाओगे। इतना फ्रेश और इतना टेस्टी खाना है ना, मतलब इतने ज़्यादा फ्लेवर्स मुझे दो बाइट में पता नहीं कब मिलोगे ज़िंदगी में अपनी। और ऊपर से ये जो माहौल है ना, जैसे हम यहाँ बैठ के खा रहे हैं, ये अगर किसी रेस्टोरेंट में मिलता हमें तो शायद इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन इस माहौल में जो खाने का मज़ा है ये नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। बहुत मज़ा आ रहा है, एक दो चीज़ें और है ट्राई करने वाली, वो भी दिखाता हूँ। तब तक देखते रहो, आप भी फील लेते रहो, साथ में आपको अपना चखना वखना पकड़ लो, भूख लग रही होगी ना। कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको स्टीम मोमोज दिखाए, अब मैंने ये फ्राइड चखा। भाई इतने करारे हैं, जो दिल्ली में हमें और जगह मिलते हैं ना तंदूरी मोमोज के नाम पे, ये अगर हमने बेच ही देना वहाँ पे 200-200 रुपये भी लोग आराम से देंगे एक प्लेट के। देखो कितना करारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो फूड ब्लॉग बनता जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये भी ठीक है। आवाज़ सुनना आप, करारेपन की आवाज़ सुनना। आहा आंटी बहुत टेस्टी है ये मोमोज, तो आपने अगर दिल्ली में बेच दिए ना लोग 500-500 रुपए देंगे एक प्लेट के। आपको ले चलते हैं दिल्ली हम। दिल्ली में आपकी बढ़िया सी शॉप खोल देते हैं, रेस्टोरेंट बना के। लो जी एक और नई चीज़ सर्व हो गई है, इसको कहते हैं लोकल पास्ता यहाँ का। इसमें मिल रखा है शलगम, पनीर, मेथी एंड मशरूम, ग्रेवी, मशरूम और ग्रेवी। ओए होए होए, मतलब
ये जो ग्रेवी है ऐसा लग रहा है कड़ी है पतली सी, और उसके अंदर ये पालक पनीर का जो फ्लेवर आ रहा है। अब लास्ट में हम खा रहे हैं लोकल ब्रेड के साथ योगर्ट। योगर्ट इतना मीठा है कि इसमें चीनी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठंडा एंड स्वीट। मैं खाने पीने का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये खाना खा के मज़ा ही आ गया भाई साहब, डिफरेंट लेवल। इस घर की कीज देख लो आप। अच्छा ये असली आ गया? असली तो असली। पर मैं तो देख के डर गया। हाँ ये हमारा अपना घी लगा गेहूँ लगा।